हाल ही में ऐसी न्यूज सामने आई है कि पाकिस्तान ने रूस से कच्चे तेल का निर्यात बंद कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि रूस के तेल से जितना पेट्रोल डीजल निकलना चाहिए वह उससे काफी कम मिल रहा है और रशियन ऑयल के रिफाइनिंग की प्रक्रिया में फर्नेस ऑयल ज्यादा निकल रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और रूस के बीच हुई डील को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए सफेद झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे रशिया ने कभी भारत की तरह डिस्काउंट दिया ही नहीं था। आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। नमस्ते, मैं हूं रुद्र शिव और ये है वर्ल्ड नाउ। दोस्तों, रशिया इस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, लेकिन 24 फरवरी 2022 को इसने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने मिलकर इस पर सैंक्शंस लगा दिए। रशियन ऑयल की सप्लाई कम होने से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। सैंक्शंस के कारण जब कोई भी देश रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा था, तब उसने भारत को डिस्काउंट में क्रूड ऑयल देने का ऑफर दिया। दुनिया के दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदा। रूस की ओर से यह एक ऐसा ऑफर था जो सिर्फ भारत और चीन को ही मिला था। खराब आर्थिक हालातों से गुजर रहा पाकिस्तान भी चाहता था कि वह रशिया से वैसा ही डिस्काउंट ले जैसा भारत को मिला है, लेकिन रूस उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। तभी 11 जून 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक ट्वीट करते हैं। इसमें उन्होंने लिखा, मैंने देश से किया अपना एक और वादा पूरा किया है। यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस से पहला डिस्काउंट कच्चा तेल कार्गो कराची में आ गया है और कल से तेल निकालना शुरू हो जाएगा। यह पाकिस्तान के लिए पहला रूसी तेल कार्गो है और पाकिस्तान और रूसी संघ के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत है। मैं उन सभी की सराहना करता हूं जो इस राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा बने रहे और रूसी तेल आयात के वादे को वास्तविकता में बदलने में योगदान दिया। दोस्तों, जब मैंने शहबाज शरीफ के इस ट्वीट को पढ़ा था तो लगा कि शायद कोई चमत्कार हो गया और रूस उसे डिस्काउंट पर तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन यह सब पूरी तरह झूठ था। असल बात यह थी कि पाकिस्तान खुद को भारत से कम नहीं दिखाना चाहता था। शहबाज अपनी पब्लिक को यह दिखाना चाहते थे कि वह भारत की ही तरह सस्ते में क्रूड ऑयल रूस से लाने में कामयाब हुए और जो इमरान खान की डिप्लोमेसी नहीं कर सकी वह उन्होंने कर दिखाया। लेकिन शहबाज की पोल 16 जून को आई एक रिपोर्ट में खुल गई। ये आर्टिकल है अमेरिका के सरकारी न्यूज चैनल वॉइस ऑफ अमेरिका का। इसमें लिखा है कि रशिया सेज इट्स सेलिंग ऑयल टू पाकिस्तान विदाउट स्पेशल डिस्काउंट, यानी कि पाकिस्तान को तेल देने में रूस कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दे रहा। इस आर्टिकल में कहा गया था कि रूस पाकिस्तान को कच्चा तेल देने को तैयार हो गया है और बदले में चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट लेगा, लेकिन किसी भी तरह का स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। शायद ही मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को पब्लिकली सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलते हुए सुना होगा। रशिया से तेल खरीदने के कारण पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में भी था। पाकिस्तान में क्योंकि अब इलेक्शन होने वाला है तो ऐसे में इस नौटंकी को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। पाकिस्तान को रूस के तेल से कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। पाकिस्तान यह भी मानकर चल रहा है कि इससे ज्यादा सस्ता तेल तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर सऊदी अरेबिया और कतर से मिल जाएगा, जिस कारण उसने रूसी तेल के आयात को बंद करना सही समझा। लेकिन उन्होंने इसके लिए कम डीजल और पेट्रोल निकलने का बहाना गढ़ा। वह अपनी जनता को बताना ही नहीं चाहते थे कि जो इज्जत भारत को मिली है वह पाकिस्तान को कोई नहीं दे रहा और भारत से बराबरी इतना आसान नहीं होने वाला। पाकिस्तान के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।